x1 y1 x2 y2 y1 negative y2 negative be the endpoints of the latest rectum of the ellipse this. पूछो कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस वाई स्क्वायर बाय वन इज इक्वल टू वन. ठीक है द इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज विद लेटेस्ट रेक्टम पी क्यू आर एट द पूछो लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए करेक्ट. ठीक है इसने क्या बोला वाई वन वाई टू दोनों नेगेटिव है तो इसको तो माइनस कर दो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस. जो ए कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है फोर माइनस वन. ठीक है यार बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना है आपका बी स्क्वायर तो वन ही ए कितना है टू है तो कितना जाएगा प्लस माइनस रूट थ्री कॉमा हाफ आ रहा है. ठीक है पैराबोला विद लेटेस्ट रेक्टम पी क्यू तो वो जो पैराबोला तो अपने लेटेस्ट रेक्टम के एंड से पास करेगा क्योंकि बना लेते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट है. ठीक है तो पैराबोला एक तो बच्चों ये होगा और एक बच्चों पैराबोला आपका बन गए और गंदो पैराबोला अरे बन गए और अरे बन गए और गंदो पैराबोला रे बन गए और गंदो पैराबोला बच्चों ये आ गया आपका दो पैराबोला एक ऊपर वाला एक नीचे वाला वो क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग ऐसा बनेगा. ठीक है जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड से अपने को फोकस मिलेगा. ठीक है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से अपने को फोर टू ए मतलब फोर ए मिल जाएगा तो फोर ए कितना आ रहा है आपका टू रूट थ्री आ रहा है देख रहा है तो आपका निकाल लेंगे अपन इक्वेशन. ठीक है तो यहाँ पर बच्चों इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा जीरो कॉमा हाफ आ जाएगा जीरो कॉमा हाफ. तो जो वर्टेक्स के लिए अपने को ए ऊपर नीचे जाना पड़ेगा तो ए कितना आएगा आपका रूट थ्री बाई टू इससे अपने को ऊपर नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि एक का तो वर्टेक्स आपका इससे ए यूनिट नीचे ए यूनिट ऊपर तो अगर ज़ीरो हाफ है तो एक्स स्क्वायर बचो इवन फंक्शन तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए y. अच्छा यहाँ पर ओरिजिन शिफ्टिंग करनी थी y तो y ही रहेगा ना x square is equal to 4 y. राम 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे राम. मुझे यहाँ पर क्या है अपने को फोकस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ तो y तो 0 आएगा इसका है ना x एक्सपेरेंट बस 1 बाई टू में रूट थ्री बाई टू ऐड करना है तो माइनस. अरे यार ये जगह थोड़ी कम पड़ गई इक्वल टू साइन तुम जाओ उधर नोबिता इधर वन बाई टू में बच्चों एक बार ऊपर प्लस माइनस कर दो आप रूट थ्री बाई टू. ठीक है एक्स माइनस दिस का स्क्वायर. ठीक है फिर चले आगे ये आपका आंसर ऑप्शन चेक करना है बच्चों मैंने क्या किया एक्स माइनस है ना ये ओरिजिन शिफ्टिंग से एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए इंटू वाई माइनस बीटा कर देंगे तो अल्फा बीटा आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपका जीरो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और फिर गड़बड़ कर दिया राम 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 एक्स जीरो था एक्चुअली वाई था ना वो तो सॉरी गलती से ब्लेंडर हुई गवा बहुत बड़ा मिस्टेक हुई गवा एक्स पर आएगा वाई में वो आएगा एक्चुअली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस है और वाई माइनस यहाँ पर आएगा वन बाई टू प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू ये है बच्चों तो टू रूट थ्री वाई. ठीक है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू रूट थ्री वाई और माइनस रूट थ्री और बच्चों टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाई टू तो प्लस माइनस आ जाएगा सिक्स प्लस माइनस थ्री है ना ये आ रहा है. हाँ भाई ऑप्शन देखना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू रूट थ्री वाई. अच्छा एक यहाँ पर ही प्लस माइनस आएगा ना देख लेंगे मतलब है ना टू रूट थ्री बच्चों प्लस प्लस वाले का क्या होगा अपवर्ड फेसिंग वाले का यहाँ पर नीचे आएगा माइनस आएगा हाँ यहाँ प्लस आएगा एक मैं सही निकाल दूँ फिर उसके बाद मैं छोड़ दूंगा अपवर्ड फेसिंग वाले का
नीचे आएगा ना, तो नीचे आएगा तो ये आएगा, ये बच्चों अपवर्ड फेसिंग का है, ठीक है। डाउनवर्ड फेसिंग वाले में क्या होगा, मैं येलो से कर देता हूँ। डाउनवर्ड फेसिंग में बच्चों यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इस प्लस की जगह, इस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आएगा, और डाउनवर्ड फेसिंग में यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। वो आपका डाउनवर्ड फेसिंग, तो चेक कर लेते हैं ये वाला क्या था, -√3, और माइनस ही आएगा यहाँ पर, ये भी माइनस है, -√3 -3, ऑप्शन देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, और -√3 -√3 -3, ये क्या आ रहा है, इस वाले का 1/2, अरे राम यही गलत लिखा है, वर्टेक्स का वाई वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव लिखा है, वाई -1/2 है, -1/2 है यहाँ पर ना, तो बाकी सब सही, -1/2, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव था, तो +√3 आएगा, +√3, हाँ भाई क्या आ रहा है, -√3y +√3 -3 +√3 कुछ तो मैं ब्लंडर कर रहा हूँ, y is x square is equal to -1/2, कुछ तो मैं गंदे वाला कुछ अजीब सा कुछ कर रहा हूँ, इतना 0 -1/2 है, तो 0, -1/2 -√3/2, ये आपका फोकस, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, 4a यानी कि 2√3 इंटू वाई माइनस वाई +1/2 +√3/2, ये है, तो √3 + 3 मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, एक बी ऑप्शन है, और दूसरा वाला जो भी आएगा वो इस तरह से आएगा कुछ, तो वहाँ पर आएगा दूसरा वाला, यहाँ बना लेते हैं, तो ये आएगा इसका, इसका फोकस का, इसका वर्टिस का कोऑर्डिनेट आएगा 0, -1/2 +√3/2, ठीक है, और डाउनवर्ड फेसिंग है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई -+1/2 -√3/2, और ये कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2√3y -√3 +3, तो -2√3y क्या क्या ऑप्शन है, -2√3y, 3 -√3, -2√3y, 3 -√3, ये आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, बी और सी ऑप्शन आ रहे हैं, मैं कुछ ब्लंडर कर गया था यहाँ पर,